बुरहानपुर जिले के उद्योग में एक हादसा हुआ है जहां पर एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया। मामले में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है और आपको बताते चले कि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जिले के उद्योग नगर स्थित राजकमल प्रोसेस में डीपी में आग लगने से चौकीदार की मौत हो गई है और एक अन्य मजदूर घायल हुआ। इसके संबंध में राजकमल प्रोसेस के मालिक राजेश बजाज मीडिया से कुछ भी कहने से बचते रहे, तो वहीं गणपति थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दोपहर के समय उद्योग नगर में एक डीप प्रोसेसिंग जो फैक्ट्री थी वहाँ के डीपी में कुछ टेक्निकल या कुछ मिस्टेक से आग लगी और आग लगने के बाद डीपी में कुछ ब्लास्ट जैसा हुआ होगा, उससे वहाँ एक मजदूर की मौत हुई और एक घायल हुआ है। पुलिस ने मार्ग कायम कर लिया है। 174 CRPC में जांच जारी है। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं गोपाल देव हमारे साथ, सहयोगी गोपाल देव। जिस तरह से ये हादसा हुआ है, क्या कुछ अब तक निकलकर सामने आया है? क्या जो मजदूर एक की मौत हुई है, एक घायल हुआ है, क्या उनके परिजनों को कोई मुआवजा दिया गया है? इस प्रबंधन जो संस्था थी उसके प्रबंधन का क्या कुछ कहना है? जी बता देना चाहूंगा दीपक जी, जिस तरह से हादसा है, डीपी फटने से एक युवक की जो मजदूर था उन्हीं के यहाँ पर जो चौकीदारी करता था उसकी मौत हो गई, तथा दूसरा एक विद्युत कर्मचारी था जो ठेका कर्मचारी था जो यहाँ पर डीपी सुधारने ही आया था, इसकी भी जो है इंदौर रेफर किया गया था, जो गंभीर रूप से घायल था लेकिन इंदौर रेफर करते समय रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। जी दीपक जी, राजकमल प्रोसेस का प्रबंधन इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहा है? जी इसमें प्रबंधन बिल्कुल भी जो है किसी प्रकार से मीडिया से बात करने से इनकार कर रहा है और अभी कह रहा है कि इसमें तथ्य पता लगाए जाएंगे आखिरकार गलती किसकी है, जिसके बाद में ही कुछ न कुछ मीडिया से कहा जाएगा। इस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं। प्रत्यक्ष दर्शियों के या फिर जो मजदूर के साथ लोग थे या उनके परिजन हैं, वो क्या किस पर आरोप लगा रहे हैं, किसकी लापरवाही बता रहे हैं? निश्चित तौर पर इसमें जो परिजन है वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है मेंटेनेंस के चलते यहाँ पर ये हादसा हुआ है, यदि पूर्व में से ही यदि मेंटेनेंस किया जाता तो शायद ये हादसा नहीं हो पाता। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस जांच कर रही है। अब देखने वाली बात हुई कि राजकमल प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड की जो कंपनी है, क्या कुछ मजदूर को मुआवजा के रूप में देता है या क्या कुछ कार्रवाई होती है।